हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की ओर से बद्दी के औद्योगिक क्षेत्र दबनी के 6 प्लॉट 9,08,00,000 में बिके। सबसे अधिक बोली हिंदुस्तान पॉलीपैप के संचालक कौशलेंद्र शर्मा ने 16,100 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दी और प्लॉट अपने नाम किया। निगम ने दबनी क्षेत्र में 7A 77 78 79 80 व 86/6 प्लॉटों की बोली कराई। निगम के अधिशासी अभियंता मोहिंद्र जरियाल के देखरेख में प्लॉटों की नीलामी हुई। निगम ने 5,200 रुपए प्रति वर्ग मीटर सरकारी रेट रखा था। सबसे पहले 7A 490 मीटर प्लॉट की बोली लगाई गई, जिसे हिंदुस्तान पॉलीपैप के संचालक कौशलेंद्र शर्मा ने सबसे अधिक 16,100 रुपए प्रति वर्ग मीटर रेट के हिसाब से खरीदा। उसके बाद 77 व 78 नंबर प्लॉट की बोली रखी गई। यह दोनों प्लॉट रीगल किचन कंपनी ने 9,100 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खरीदे। यह दोनों प्लॉट 3400 वर्ग मीटर के थे। 79 प्लॉट की बोली 9,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुंबई की पार्टी ओम प्लास्टिक के नाम रही। 17-10 वर्ग मीटर का 80 नंबर प्लॉट की सबसे अधिक बोली 8,005 रुपए प्रति वर्ग मीटर लोपान मेटल ट्रीटमेंट कंपनी की ओर से लगाई गई। अंतिम प्लॉट 86/6 की बोली 10,300 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से गई। यह प्लॉट 1,867 वर्ग मीटर का है तथा नप बद्दी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी मदन लाल ने इसे खरीदा। अधिशासी अभियंता मोहिंद्र जरियाल ने बताया कि नीलामी प्रक्रिया में 40 बोलीदाताओं ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि नीलामी प्रक्रिया में वर्चुअल रूप से निगम के MD राकेश प्रजापति भी जुड़े और समय समय पर उनके परामर्श लेते रहे। जिन उद्योगपतियों ने प्लॉट खरीदे हैं, उन्होंने प्लॉट की कुल राशि की 10% एडवांस जमा करा दिया है, जिसे लगभग 90,00,000 रुपए जमा हो गया है। छह प्लॉट थे जिनके ऑप्शन हमने करनी थी और 40 लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, क्योंकि हमारा तरीका ये है कि पहले जो भी पार्टिसिपेंट होगा पहले अपने आप को उसको रजिस्टर करवाना होगा। 40 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी। हमारा जो है सारे ही प्लॉट 6 के 6 प्लॉट जो है हमारे इस ऑप्शन में बिके हैं। जो जहाँ तक रेट की बात रही है, हमारा जो हाइएस्ट रेट गया है वो 16,100 रुपया पर स्क्वायर मीटर, ये हाईएस्ट बिट हमारे को एक प्लॉट के लिए मिली है। इसके अलावा हमारे जो बाकी प्लॉट्स हैं उनके एक प्लॉट 10,300 रुपये में गया है, एक 8,500 में, 9,092 रुपये, ऐसे ऐसे हमारे ये रेट्स डिफरेंट प्लॉट्स के हमारे को मिले हैं। टोटल हम ट्रांजेक्शन की बात करें तो करीब 9,08,00,000 रुपये की ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी जिनको आज हमने सेल आउट किया है, ऑक्शन किया है। इनका 10% जो कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ होता है वो हम सेम डे हम ले लेते हैं, उनको पे करना होता है 10%, उसको EMD बोला जाता है। ये करीब 90-91 लाख मिलता है, बनता है। तो ये जो 10% कॉस्ट है ये भी हमारे पास रिसीव हो चुकी है। अभी हमारे पास इसके अलावा इमीडिएटली तो कोई प्लॉट तैयार नहीं है, तो एक तो प्लॉट थोड़ा रिज्यूम करने के लिए हैं, तो कुछ लग रहा है कि कुछ रिज्यूम किए जा सकते हैं। तो अगर कोई प्लॉट रिज्यूम होंगे तो उनको हम दोबारा से ऑप्शन पे लगाएंगे, तो उसकी रिजम्पशन की प्रोसेस हमारी चली हुई है। तो जैसे ही रिज्यूम हो जाते हैं उसके बाद उनको उनकी प्लॉटिंग करके दोबारा से उनको ऑप्शन किया जाएगा। पहले तो ये है कि हमारी जो पेमेंट टर्म्स हैं उसके मुताबिक 6 महीने के अंदर सारी पेमेंट करनी होगी। हमने जैसे 10% आज ले लिया है तो 30-30% की 3 किस्तें बकाया होंगी। 100% इनको जब ये हमारे पास ट्रांजेक्शन अमाउंट जमा करा देंगे उसके बाद इनको रेगुलर अलॉटमेंट की जाएगी प्लॉट्स की। जिस दिन रेगुलर अलॉटमेंट होगी उसके बाद 2 साल का टाइम दिया जाता है। 2 साल के टाइम में इनको अपना फैक्ट्री बिल्डिंग बनानी है और उसके ऊपर प्रोडक्शन में आना है। अगर ये किसी वजह से 2 साल में प्रोडक्शन में नहीं आ पाते हैं तो प्रोविज़न है रूल्स में, इनको एक्सटेंशन दी जा सकती है ऑन पेमेंट बेसिस। फर्स्ट ईयर एक्सटेंशन जैसे 5% कॉस्ट ऑफ प्लॉट लेके हम दिया जा सकता है, प्रोवाइडेड वो जनरल कोई जेन्युइन रीज़न हो। और दूसरे साल की भी एक्सटेंशन पॉसिबल है, उसके लिए 10% कॉस्ट ऑफ प्लॉट दिया जाता है। तो 4 साल मिल जाते हैं, बट आई बिलीव के 2 साल सफिशियंट पीरियड होता है अपना फैक्ट्री बिल्डिंग बनाने के लिए और प्रोडक्शन में आने के लिए।
हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।